नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। श्री गंगानगर के रायसनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर के नज़दीक गांव के खेतों में 2 किलो हीरोइन बरामद, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। रायसनगर सीमांत क्षेत्र के गाँव लखा हकम के खेतों में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 किलो हीरोइन बरामद की है। अंदेशा है कि पाकिस्तान से ड्रोन से आई हो सकती है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच श्री विजयनगर SHO को सौंपी है। थाना प्रभारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि 29 RB में राजाराम पुत्र चैनाराम जाट निवासी लखा हकम के खेत में थैली नुमा एक वस्तु को देखकर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर देर शाम उन्होंने ये थैला बरामद किया तो उसमें 2 किलो हीरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि थैले पर पाकिस्तान में लाहौर का अंकित होना पाया गया है। ऐसे में अंदेशा है कि मामला तस्करी से जुड़ा हो सकता है। ड्रोन के माध्यम से हीरोइन बॉर्डर क्षेत्र में पहुंचाई गई हो सकती है। बॉर्डर पार से हीरोइन तस्करी के मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक रायसनगर, कर्णपुर, गसिंहपुर क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हाँ, कल हीरोइन पकड़ी है। 2 किलो हीरोइन है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक है, गांव लखा हकम की पंचायत, लखा हकम पंचायत का चक है। 29 RB में राजाराम सिनोप आईदान जाट है जो लखा हकम के रहने वाले हैं, उनके खेत के अंदर नरमे की फसल में एक काले रंग की थैली मिली थी। जब हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली, हम मौके पर पहुँचे तो जब हमने थैली को चेक किया तो उसके अंदर 2 किलो हीरोइन मिली है। हाँ, उस बैग पर कुछ इंग्लिश में वो लिखा हुआ था जिसमें पाकिस्तान लाहौर मिंट रोड लाहौर वगैरह ऐसे लिखा हुआ था, जो हमने रिकॉर्ड में दर्ज किया है सब कुछ। ये जो ड्रोन आने की बात थी वो दूसरी जगह थी, वो घटनास्थल दूसरा है। ये जो हीरोइन है ये मेरे को लगता है कि उस दिन पहले की गिराई हुई है, आई तो ये पाक बॉर्डर की तरफ से ही है। परंतु अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि जो इतला मिली थी वो। एक हमने कल और प्रकरण दर्ज किया है, उसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और उसमें जांच कर रहे हैं। वो घटनास्थल उससे करीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। उसमें एक राउंड मिला था, 9 mm का एक राउंड है वो मिला है, और साथ में एक बाइक भी एक उस घटनास्थल से करीबन 1 किलोमीटर दूर मिली है, और उसके नंबर भी सही नहीं है, तो इसलिए उसकी जांच करें कि ये बाइक उससे संबंधित है या नहीं, अभी तक कहा नहीं जा सकता। जैसे ही उस बाइक के आई एम उसके जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर पता लगा करके ये क्लियर किया जाएगा कि ये बाइक किसकी है, कहाँ से, यदि चोरी हुई है या ऐसे अपराधियों की है वो खड़ा करके गए हैं, इसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है।